हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी मो टीवी। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे 2020 में छठ पूजा कब है। छठ पूजा, नहाए खाए और खरना की सही तारीखें आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख त्यौहार छठ इस बार कब मनाया जाएगा, इसको लेकर लोगों के बीच में अभी से चर्चा शुरू हो गई है। छठी माई की पूजा का महापर्व छठ दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। छठ पूजा में सूर्य देवता की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि छठ माता सूर्य देवता की बहन है। कहते हैं कि सूर्य देव की उपासना करने से छठ माता प्रसन्न होती है और मन की सभी मुरादें पूरी करती है। छठ की शुरुआत नहाए खाए से होती है और 4 दिन तक चलने वाले इस त्यौहार का समापन उषा अर्ध यानी सुबह वाले अर्ध के साथ होती है। आइए जानते हैं इस बार छठ का पूरा कार्यक्रम। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हैप्पी नो टीवी को। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें हैप्पी नो टीवी को और प्रेस कर दें बेल आइकन को, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए जानते हैं कब है नहाए खाए और खरना। इस वर्ष यह त्यौहार 18 नवंबर से 21 नवंबर तक मनाया जाएगा। 18 नवंबर को नहाए खाए, 19 नवंबर को खरना, 20 नवंबर को संध्या अर्घ और 21 नवंबर को उषा अर्घ के साथ इसका समापन होगा। इन 4 दिनों सभी लोगों को कड़े नियम का पालन करना होता है। इन 4 दिनों में छठ पूजा से जुड़ी कई प्रकार के व्यंजन, भोग और प्रसाद बनाया जाता है। आइए जानते हैं नहाए खाए की परंपराएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी से शुरू होने वाले इस व्रत को छठ पूजा, सूर्य षष्ठी पूजा और डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत नहाए खाए से होती है, जो कि इस बार 18 नवंबर को है। इस दिन घर में जो भी छठ का व्रत करने का संकल्प लेता है, वह स्नान करके साफ और नए वस्त्र धारण करता है। फिर व्रती शाकाहारी भोजन लेते हैं। आमतौर पर इस दिन कद्दू की सब्जी और चावल बनाई जाती है। आइए जानते हैं खरना किस दिन है। नहाए खाए के अगले दिन खरना होता है। इस दिन सभी लोग उपवास करना शुरू करते हैं। इस बार खरना 19 नवंबर को है। इस दिन छठी माई के प्रसाद के लिए चावल, दूध के पकवान, घी, आटे से बना प्रसाद बनाया जाता है और साथ ही फल से पूजा की जाती है। इस दिन गुड़ की खीर और डबल रोटी या पराठा बनाई जाती है। हिंदू धर्म में यह पहला ऐसा त्यौहार है जिसमें डूबते सूर्य की पूजा होती है। छठ के तीसरे दिन शाम यानी सांझ के अर्ध वाले दिन शाम के पूजन की तैयारियां की जाती है। इस बार शाम का अर्ध 20 नवंबर को है। इस दिन नदी तालाब में खड़े होकर ढलते सूर्य को अर्ध दिया जाता है। फिर पूजा के साथ अगली सुबह की पूजा की तैयारियां शुरू होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, छठ पूजा के चौथे दिन समापन होती है। चौथे दिन सुबह के अर्ध के साथ छठ पूजा का समापन हो जाता है। सप्तमी को सुबह सूर्योदय के समय भी सूर्यास्त वाली उपासना के प्रक्रिया को दोहराया जाता है। विधिवत पूजा कर प्रसाद बांटा
जाता है और इस तरह छठ पूजा संपन्न होती है। यह तिथि इस बार 21 नवंबर को है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और छठ पूजा से सारी जानकारियाँ आप लोगों को मिल गई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।